इस वक्त जो स्थिति है, कल जिस तरह का डिले हुआ, क्या कॉज रहा, आयरन जो स्ट्रक्चर था वो कितना ट्रबलसम रहा आप लोगों के लिए? 6 घंटे में उसको निकाल दिया गया है। वो डिफिकल्ट कंडीशंस में था सर, ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ बताया जा रहा है। जी हाँ, निकाल दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? आपने वो आयरन रीअसेंबली हो रही है, थिंग्स आर गोइंग ऑन। सर, ऑगर मशीन में क्या कोई ट्रबल की बात ऐसे सामने आ रही है, उस पर अगर आप क्लैरिटी दे देते? कोई नहीं आ रही है, वी आर जी जस्ट वर्किंग आउट की ऑगर मूव्स स्मूथली। ओके। एंड सर, एक एक्सपर्ट की टीम भी बुलाई गई है, वो किस काम के लिए, क्या किस तरह की रीडिंग वो करेगी? अभी वो वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करेंगे कि साइट पर सिम्फर के लोग हैं, वो सिम्फर के जो लोग वाइब्रेशंस रिकॉर्ड करते हैं कि जिस साइट पर काम हो रहा है वहां पर वाइब्रेशंस कैसे हैं। उन वाइब्रेशन से हमको एक साइंटिफिकली आइडिया मिलता है कि उस एरिया के अंदर सेफ्टी कितनी है। ठीक है। तो सर, अब असेंबल करके ऑगर मशीन का ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा? जी हाँ। और 12 मीटर का वो जर्नी है जो कवर करना है सर, या वो रिड्यूस हुआ था थोड़ा? नहीं, उसके बारे में अभी कुछ कहना संभव नहीं है कि वो 12 मीटर है या उससे भी आगे है। जी, जितना हमें करना होगा जरूर करेंगे। ठीक है, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर कुलबे जो पूरे ऑपरेशन के इंचार्ज हैं और सबसे अहम कड़ी हैं पीएमओ और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, वो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रहे हैं कि जो आयरन स्ट्रक्चर था उसको 6 घंटे में काटकर हटा लिया गया है। ऑक्सीजन की कमी थी उस स्पेस में, इस वजह से मुश्किलें सामने आ रही थी। अब ऑगर मशीन को रीअसेंबल किया जा रहा है, उसके बाद ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। वीडियो सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ मैं अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी।